आप क्या करने वाले हैं? मैंने थोड़ा मैजिक को चेंज किया हुआ है. इट इज कॉल्ड मैजिक विद द माइंड. मैं लोगों के माइंड से खेलूंगा अपने मैजिक से. माइंड से खेलेंगे, यानी कि माइंड को आप अपने बस में करेंगे. हाँ जी, इनके माइंड को आप बस में कर सकते हैं. इनके माइंड के ना, हाँ करेंगे ना, कोशिश करना है. दुनिया ने चाहा, अभी तक इनके भी आपके भी. हाँ, ये सही कर रहे हैं ना. लेकिन मैं इसके पहले कि अपना एक्ट शुरू करूं, मैंने मोना जी के लिए एक गिफ्ट लाया है. उनका माइंड मोना, आपका माइंड बस में हो चुका है मोना जी, इफ यू डोंट माइंड. ओके, ऑल राइट. और आपके लिए एक यूनिक सा गिफ्ट है. क्या आप यहाँ आ सकते हैं? ओके, एंड या शी इज कमिंग. दल्यत कुर पलग्रिय मकरेना कित कुर पे दल्य अर्ग्या कुछ बिना दल्यत कुर पलग्रिय मकरेना ना करे ना. वो थैंक यू वेरी मच. ओके, ऑल राइट, कोल्ड हियर, इट इज हॉट देयर. ओके, थैंक यू वेरी मच. अगर आपने अच्छा नहीं किया, मोना को गिफ्ट दिया, विशाल को गिफ्ट दिया. विशाल, विशाल के लिए एक फूल और है मेरे पास. ये फूल को नहीं, ये फूल को काटा बना देंगे. आओ, आओ. विशाल के पास जाओगे तो क्या मोना के पास जाओगे? क्या करेंगे. लेकिन मैं तो देना चाहूंगा विशाल आपको ही. ओके, यू आर टू गुड विशाल, दिस इज फॉर मी. ओके, या वी गो, कम ऑन. दल्यत कुर पलग्रिय मकरेना कित कुर दल्यत कुर सभ्यना. या, एंड दिस इज फॉर यू विशाल. थैंक यू वेरी मच. ओके, सो डोंट माइंड. ओके विशाल, यू आर टू गुड. ओके, तो एक मिनट प्लीज. इसके पहले कि हम लोग शुरुआत करें, अनु जी, आप किसी भी एक सिटी के बारे में सोचते रहिए. किसी भी एक सिटी के बारे में सोचिए. और फरा जी, आप किसी भी एक सेलिब्रिटी के बारे में सोचिए. ओके, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो भी अभी सोच रहे हैं वो मैं पढ़ने की और लिखने की कोशिश करूंगा. उसके बाद में मैं विशाल जी का माइंड रीड करूंगा क्विकली, और फिर सारे ऑडियंस का माइंड मैं रीड करने वाला हूँ. एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए. ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया है, कुछ सोचने के लिए और क्विकली माइंड रीड करने के लिए मैं जरा विशाल जी को फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा. जरा यहाँ आइए. ओके विशाल जी, आप जी. किसी भी एक कार्ड पे जल्दी से अपनी उंगली रखिए. ओके, ऑलराइट. ओके, ये कार्ड लीजिए, उसको देखिए मत, सीधा लेके जाइए, क्योंकि आपका माइंड एकदम क्विकली रीड करना है. ओके, सो हियर वी गो. लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि मैंने बताया कि ये तीन खाने मेरे पास है. 3, 2, 1. ओके, ऑलराइट. तो पहले मैं अनु जी को रिक्वेस्ट करूंगा, अब सबके सामने आप बताओगे कौन सी सिटी के बारे में सोचा है. लेकिन उसके पहले, सो यू आर थिंकिंग ऑफ, इट इज वेरी यूनिक, आई नो, माय गुडनेस. ओके, हाय. सो सर, आप प्लीज बताइए आप कौन सी सिटी के बारे में सोच रहे हैं, बताइए. लंदन. लंदन, ओके. सो लंदन के बारे में आप सोच रहे हो. ओके, ऑल राइट. ओके, अब बारी आती है फराजी की. फराजी, आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में सोच रहे हो. ओके, ऑल राइट, मैं आपकी माइंड रीड कर रहा हूँ. यू आर थिंकिंग अबाउट, ओ नो, ये आपका सचमुच फेवरेट है कि ऐसे ही सोचा? ऑल राइट, ये आपका फेवरेट. ओके, नाउ वुड यू टेल एवरीबॉडी योर फेवरेट सेलिब्रिटीज नेम? अनु. अनु, ओके, ऑल राइट. सो ए एन यू, शॉर्टकट में लिखता हूँ. ओके, ऑल राइट. अब बात है थर्ड वन. ओके, ऑल राइट, क्विकली कार्ड को देखो और मेरे पास देखो, क्विकली. ओके, बस आपने देखा ना, मेरे पास देखो. ऑल राइट, और आप जो कार्ड में डिजाइन निकलता हूँ उसकी. ओके, आप सोच रहे हो ये कार्ड के बारे में. ऑल राइट, अब आपको कार्ड बताने की जरूरत भी नहीं है, अगर बताना चाहते हो तो बताइए कौन सा कार्ड आपने देखा. Nine of hearts. Okay, so that is nine and H. Okay. No dil. Right? अब हम देखते हैं कि अनु जी जिस सिटी के बारे में सोच रहे थे वो मैंने लिखा है या नहीं लिखा है. So this is number one, London. Number two, फराजी का choice. हेलो, विशाल ने क्विकली कार देखा और मैंने उनकी आंखों में देखा, दैट वाज नाइन ऑफ हार्ट्स. और मैं अपना वादा भूलूंगा नहीं, मैं ऑडियंस का भी माइंड मैं रीड करने वाला हूं.
ये ऑडियंस, तमाम ऑडियंस मेरे बारे में क्या सोच रही है और अभी के सिचुएशन के बारे में क्या सोच रही है? इट इज ऑलरेडी रिटन. वैसे बहुत अमेजिंग चीज देखी है हमने. नहीं नहीं दीपक जी, हमने बहुत बहुत ही अलग और नायाब चीज देखी है. लेकिन एक एक सवाल दिमाग में मेरा और फरा के उठा है, खास करके मेरे दिमाग में जी, कि आपने पहले मुझसे पूछा कि आप क्या पूछ रहे हो. आप आपने मुझसे पहले पूछा आप क्या सोच रहे हो सिटी के बारे में. मैंने कहा लंदन, करेक्ट? हाँ जी. फिर आपने फरा जी से पूछा, फरा ने बोला अन्नू जी. मगर आपने हमें वो खांचा दिखाया था नहीं. वो क्या होता है, इट इज ऑल अ रूटीन, क्योंकि लास्ट में जो क्लाइमैक्स उसका मैं दिखाना चाहता हूँ, धार 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 खोल के, तब जो आपका मजा आया और तब सब लोगों ने जो चिल्लाया वो तभी नहीं होता था, मामला ठंडा पड़ जाता था. पता है मैं क्या सोच रहा था जी? आप बिना हमसे पूछे कि मैं क्या सोच रहा हूँ आप उस पर लिख देते, मेरे दिमाग में ये था. हाँ तो एक काम करते हैं, अगर मैं वापस ये शो में आता हूँ तो मैं ऐसा ही कुछ जरूर आपको करके दिखाऊंगा. 100% पारा जी, यहाँ जो भी मैजिक करने आते हैं, बहुत सारे आए हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ जी, इनको गायब कर दो. मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जादू जो समझ ना आए उसे जादू कहते हैं. आप जैसे जादूगर अलग दुनिया में रहते हैं. क्या बात है, थैंक यू सर. विद योर परमिशन. बिल्कुल, विद आवर परमिशन. 10,000 रुपए, कांग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी वेल डन. थैंक यू.